नमस्कार, क्राइम सस्पेंस नेटवर्क में आपका स्वागत है। खबर कानपुर से। कानपुर में बीते मंगलवार को कर्नलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिनी कंट्रोल रूम के सीएफओ कार्यालय में एक सूचना दी गई, जिसमें ग्वाल टोली चौराहे पर एक पीपल के पेड़ में कौवे के फंसी होने की जानकारी दी गई, जिस पर एफएसओ कर्नलगंज प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम द्वारा रेस्क्यू करके दो सिपाही पेड़ पर चढ़े, जिसमें एक सिपाही सबसे ऊपर चढ़कर, जिसका नाम दीपक था, ने कौवे को डाल पे फंसे होने के बाद घायल अवस्था में नीचे उतारा और उसका उपचार करा करके उसको आज़ाद कर दिया। उक्त सभी कार्य सीएफओ दीपक शर्मा के निर्देशन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सीएफओ दीपक शर्मा से जब बात की गई तो उन्होंने बताया, कर्नलगंज के एफएसओ प्रदीप शर्मा ने मौके पर पहुँच कर सूचना का त्वरित संज्ञान लेते हुए सिपाहियों के साथ मौके पर पहुँच कर पीपल के पेड़ से कौवे को निकाल करके उसको उपचार करा कर तत्काल उसको आज़ाद करा दिया गया। सीएफओ द्वारा और एफएसओ द्वारा इस तरह से कार्य किए जाने पर चारों ओर प्रशंसा की जा रही है। पास कर दो। पंखे ये डैमेज हो गए हैं, ट्रीटमेंट किया जाए। जिंदा है, जिंदा है ये। इसको पंखे देखो, मैं बताऊँ, लेबड़ के थे ना उस धागे में, ये कोशिश की है। हाँ, आ रही है।